दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल की घंटी को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ग्लोबल मिथ चैनल में स्वागत है। दोस्तों लोग कहते हैं कोई भी बात वे वजह नहीं होती। अगर इस धरती पर कोई भी चीज हो रहा है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होगा। वैसे तो हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटता है उसके पीछे भगवान का श्रेय होता है। हमारे आसपास के परिवेश में कई ऐसी घटनाएं घटती रहती है जिसके पीछे का वजह जानने के लिए हम बड़े उत्सुक होते हैं। दोस्तों दुनिया में अनगिनत रहस्य है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में। इस दरगाह को दरगाह शरीफ या फिर अजमेर शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। यह दरगाह भारत के सबसे विशिष्ट और पवित्र जगहों में से एक है, जहां ना केवल मुस्लिम समुदाय के लोग बल्कि हर धर्म के लोगों को आने के लिए आकर्षित करता है। हाल ही में कुछ दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अजमेर शरीफ दरगाह गए थे और वहां जाकर चादर भी चढ़ाई थी। दोस्तों निजाम सिक्का नामक एक आम आदमी ने एक बार मुगल बादशाह हुमायूं को बचाया था, जिसे इनाम के तौर पर यहां का एक दिन का नवाब बनाया गया था और निजाम सिक्का का मकबरा भी दरगाह के अंदर मौजूद है। दोस्तों इस दरगाह के अंदर दो बड़े बड़े कढ़ाई है जिनमें निजाम चावल, केसर, बादाम, घी, चीनी को मिलाकर बनाया गया पदार्थ पकाया जाता है। दोस्तों यह खाना रात में बनाया जाता है और सुबह प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक हजरत ख्वाजा मुइद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह में आने वाला पहला व्यक्ति था जिसने 1332 में यहाँ की यात्रा की थी। अजमेर शरीफ दरगाह के पश्चिम में चांदी चढ़ाया हुआ एक खूबसूरत दरवाजा है जिसे जन्नती दरवाजा कहा जाता है। यह दरवाजा साल भर में 4 बार ही खुलता है। इस दरगाह की वास्तुकला और बेहतरीन नक्काशियां भी अद्भुत है। यह भारतीय और ईरानी वास्तुकला का बेजोड़ संगम भी देखने को मिलता है। देश विदेश से लोग और बड़े बड़े स्टार भी इस दरगाह में माथा टेकने आते हैं। इस दरगाह के पास कई ऐतिहासिक इमारतें हैं और कई ऐसे चीजें हैं जो इंसान को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। जी हाँ दोस्तों, यह हवा में तैरता हुआ पत्थर भी है। यह पत्थर हर इंसान को आश्चर्य कर देता है। यह सफेद पत्थर जमीन से 2 इंच की ऊपर पर स्थित है। आखिर कैसे यह पत्थर हवा में तैर रहा है? इस रहस्य को सुलझ पाना वैज्ञानिकों के लिए भी कठिन हो गया है। आज के आधुनिक और उन्नत टेक्नोलॉजी रहने पर भी कोई भी इस पत्थर की रहस्य के पन्ने को पढ़ नहीं पाया है। दोस्तों ये था अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़ी कुछ अनोखी घटनाएं और रहस्य। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त सुदर्शन। मिलते हैं एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।